क्या कमिश्नर, कैसा है रे? देखो भी जब ये सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझ पे भरोसा करके आपुन ने इन्फॉर्मेशन दिया और तूने आपुन केज कब्र खोद डाली। मुझ पर शक करना बंद करो बीजा, मेरा कोई इन्फॉर्मर नहीं है। मेरे लिए बस तुम ही एक इन्फॉर्मर हो, वो जो जॉइंट सेक्रेटरी विजय है शायद उसने भेजा। ज्यादा शान पट्टे मत कर, और अब तो मारी ने भी बोल दिया कि कोई दूसरा इन्फॉर्मर है। ए, डबल गेम खेल रहा है। तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें उठाकर जेल में डाल सकता हूँ, समझे? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टेट में गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। ये इन्फॉर्मर है, ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई और हो, मुझसे बड़े लेवल का ऑफिसर हो सकता है। कैसे कह सकते हो कि मैं हूँ? मुझ पर शक मत करो। पता चल गया कमिश्नर, तू ये इन्फॉर्मर है। तू यहाँ क्या कर रहा है? पागलों की तरह दिन रात तुझे बचाने के लिए इन्फॉर्मर ढूंढता रहा। इन्फॉर्मर तो तू खुद है, फिर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? हाँ बनाया, ताकि अपना पुराना केस क्लोज कर सकूं। अबे एसीबी, तुझसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, तू अपन से सवाल पूछेगा? काय को इतना फड़फड़ा रही है? अंडे में से निकल फिर पर फड़फड़ा। अच्छा तो बेटा, इस खेल का कोच तू है क्या? सच की मछली पकड़ने के लिए इन्फॉर्मर नाम का चारा फेंकना पड़ा। क्या हुआ, हलक में आ गई? पहचाना, ये वही लोग हैं जो तेरी वजह से जेल में पत्थर तोड़ रहे थे। तुमने बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे झमेले में नहीं पड़ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। चमचे को क्या पकड़ रहा है? गद्दारी का पतीला इधर है। दिमाग की खिड़की खुल गई, ये मारी का प्लान था। ये आप उनसे नहीं होएगा, चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि बीजा ही खबरी है? होश संभालते ही अपन गुंडा लाइन में घुस गया मैडम। लिफाफा देख के आप उन खत का मजमून भांप लेता है। कमिश्नर का सपोर्ट मिलने से तो बीजा और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारा सरदर्द है, आप उनका काम खलास। मारी, मेरी बात सुनो, देखो इसमें तुम ही कुछ कर सकते हो। मम्मी की बात भूल गए क्या? अपनी खुशी के लिए किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ये सब होता रहता और मैं चुपचाप बैठा रहता क्या? ये जुल्म देख कर मेरे अंदर का इंसान जाग गया। मैडम, जिस तरह भगवान अपुन के साथ है, उस तरह अपुन भी आपके साथ है। अपन जो बोलेगा वही करना। सबसे पहले बीजा के खिलाफ आपको एक जबरदस्त केस बनाना पड़ेगा। पर कैसा केस? वही ड्रग केस। बीजा के ड्रग स्मगलिंग केस में कुछ स्ट्रॉन्ग विटनेस मिले हैं। तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर हो चुका है बीजा। उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ कोई गवाही दे रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ तो कब ढूंढेगा उसे? जब वो कोर्ट पहुँच जाएगा। और उसको यकीन दिलाओ कि जो इन्फॉर्मर है वो उसके गैंग में ही मौजूद है। कोई आस्तीन का सांप अपुन को डसने के लिए भुदक रेला है। वो टेंशन में आके कमिश्नर पे शक करेगा, और उसके बाद अपुन उसका ताकड़ धिन्ना करेगा। झूठा केस करोगी? माना कि केस झूठा है, पर क्राइम सच्चे हैं। बस ये ध्यान रहे कि विटनेस की पहचान आखिर तक किसी को ना हो पाए। बाद में कह देंगे किसी वजह से विटनेस नहीं आ पाया। हम इतना तो कर ही सकते हैं। सर, हमें बीजा के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिल गए हैं, हमें इस केस को फास्ट ट्रैक पर डालना होगा। खबरी कौन है? सर मुझे गलत मत समझिएगा, पर कोर्ट की हियरिंग होने तक खबरी को छुपाना सेफ रहेगा। वैसे ये खबरी आपका नहीं है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तू इन्फॉर्मर है? इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। विटनेस को अदालत में पेश करना ही होगा। सुबह तक विटनेस का पता लगा। तुम लोगों की जेल की टिकट किसने काटी मालूम? उस बीजा ने। वो जिंदा नहीं बचेगा, आज जी डालूंगा उसे। ए, चल गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। डॉगी दिन भर चाहे कहीं भी भटके, पर शाम होते ही अपने बॉस के पास जाता है। क्या रे, तेरे को लगा फोन पे लीडो खेल रहे हैं? चीटिंग भी किया तो कोई पकड़ेगा नहीं। अबे पकड़ेंगे भी, और खींच के सुतैया भी करेंगे। अबे गुंडे की जायज औलाद हूँ। मार मुझे, माँ ने दूध पिलाया तो। बहुत थाड़ है अपन का नेटवर्क, कमिश्नर भी अपना पालतू है। अपन है मौत का सौदागर। नमूना देखना चाहेगा? देख, देख कौड़ियों के दाम से। कमिश्नर को डॉगी की तरह घसीट कर लिया। जा,
अबे फटे हुए दूध की खीर, कभी सुधर नहीं सकता तू। मुझे पहले 8-10 अटैक आ चुके हैं, अभी फाइनल आ गया तो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना यार। खड़े हो, खड़े हो। मैं तो तेरा वफादार खबरी था। तेरे भाई की तरह तेरे को भी लकड़ी नसीब नहीं होगी। क्या बंटा है, हलक में आ गई थी क्या? अपने शहर में अकाउंटेंट बनने आया था, लेकिन तेरी वजह से मुझे लोगों के अकाउंट बंद करने पड़े। उसी दिन तुझे और तेरे बेटे को मार देना था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। पहले इसके भाई को मारा, फिर तेरी बीवी को टपकाया, और आज तुम दोनों की बारी है। ए, आपुन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, प्लास्टर में तो एकदम पिरामिड लगेगा। अगर आप उनके जूते का सोल चाट के तू माफी मांगेगा ना, तो आप उन तेरे को माफ कर सकता है। लेकिन क्या है ना, तेरे अंदर माफी वाला कीड़ा नहीं है, तो चला जा।
ये तेरे घोगले। गलत फहमी की वजह से तू अपन का दुश्मन बन गया, लेकिन असली दुश्मन तेरा भाई था जो प्रॉपर्टी के लिए तेरे को टपकाना चाहता था। गलत फहमी की दीवार अगर दिल में बन जाए तो उसको मोहब्बत के बुलडोजर से गिरा डालने का। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम पर लगाए गए सभी आरोप सच हैं। उसने अदालत को धोखा दिया है। आईपीसी 302 के तहत कोर्ट गंगाधर बीजा को 25 कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। ए राजन, हद में रहे। बीजा ने मेरे को अपने इलाके का वारिस बनाया है। तेरे फादर का राज है। क्या तेरे फादर का राज है? ये इलाका मेरा है। बीबी का ये इलाका दहेज में है। काट डालूंगा तुझे। इलाका अपुन का, कानून अपुन का, काट डालेगा।